Hey guys, आज हम बनाएंगे मूंग दाल हलवा। वैसे तो ये दो तरह से बनता है, एक तो दाल को भिगोकर पीसकर और एक दाल को सूखी पीसकर। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी थोड़ी सी इजी मेथड, जो कि है दाल को सूखी पीसकर हम आज मूंग दाल हलवा बनाएंगे, और वो भी सारी हलवाई वाली टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो चलो इस टेस्टी मूंग दाल हलवे को बनाना शुरू करते हैं। मूंग दाल हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कप पीली वाली धुली मूंग की दाल ली है। इसे हम अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि इसकी सारी गंदगी निकल जाए। हमें इसे 2 से 3 बार अच्छे से पानी से धो लेना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक पूरा बोल भर के साफ पानी का ले लिया है और इसमें डुबो कर मैंने सारी दाल अच्छे से धो ली है। तो अब ये दाल हमारे बिल्कुल अच्छे से साफ हो चुकी है। अब इस साफ दाल को हमें पूरी तरह से सुखा लेना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कॉटन क्लॉथ ले लिया है, इस पे हम सारी दाल को फैला देंगे। तो चाहे तो आप इसे धूप में सुखा ले 10 मिनट के लिए, या तो आप ऐसे ही फैन के नीचे इसे सुखा दे, बस 10 से 15 मिनट में ही अच्छे से ड्राई हो जाएगी। हाथों की सहायता से पहले इसे पैट ड्राई कर देना है ताकि एक्स्ट्रा पानी पहले ही निकल जाए। तो चलिए चेक करते हैं, 10 से 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं दाल बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। याद रखें, आपको दाल को अच्छे से सुखा लेना है नेक्स्ट प्रोसेस करने से पहले। अब इस ड्राई दाल को हमें भूनना होगा, तो उसके लिए हम दाल को पैन में ट्रांसफर कर लेंगे और इनिशियली मीडियम फ्लेम पर दाल को भून लेंगे। फ्रेंड्स, याद रखें इसे कंटिन्यू चलाते रहे। 2 से 3 मिनट तक दाल को भूनने के बाद हम इसमें 1/4 कप बादाम ऐड करेंगे। बादाम ऐड करने से हलवे में रिचनेस और क्रीमीनेस आएगी। हलवाई भी इसे जरूर से ऐड करते हैं। फ्रेंड्स, मूंग दाल जो है बहुत ही जल्दी डार्क हो जाती है, तो याद रखें कंटिन्यू स्टर करते हुए दाल को हमें लो फ्लेम पर भूनना है। अगर दाल कहीं से जल जाएगी तो टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा, तो इस बात का आप ध्यान रखें। अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 मिनट में दाल अच्छे से भून जाती है। तो ये देखिए, दाल को हमें लाइट गोल्डन कलर आने तक भून लेना है, बिल्कुल इस स्टेज तक। अब हम दाल को थोड़ा ठंडा होने देंगे अप्रोक्सीमेटली 5 से 10 मिनट के बाद। तो ये देखिए, दाल हमारी बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब दाल और बादाम को हम एक मिक्सी जार में ट्रांसफर करेंगे और इसे तरतरा पीस लेंगे। याद रखें, पाउडर बिल्कुल भी नहीं करना है दाल को। तो चाहे तो आप पल्स मोड पर इसे पीस सकते हैं, यानी कि मिक्सी को चालू बंद करते हुए आप पीस ले। टेक्सचर हमें बिल्कुल ऐसा रखना है, दरदरा सा। अब हम हलवा बनाने की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले हम ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून घी लिया है और इसमें मैंने बादाम और काजू को लंबे टुकड़ों में कट कर लिया है, यानी कि 2 भाग में कट कर लिया है। इसे हम हल्का सा गोल्डन कलर आने तक भून लेंगे और इसे साइड में प्लेट में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर 1 और टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। और अब पारी आती है सेकेंड ट्रिक की, जो कि है सूजी। एक तो मैंने पहले आपको बताया बादाम, और दूसरा है सूजी। ये दोनों चीज डालने से हलवा हमारा पैन में बिल्कुल भी चिपकता नहीं है और टेक्सचर रिच एंड क्रीमी बनता है। सूजी डालने के बाद हम बस 30-40 सेकेंड के लिए इसे रोस्ट कर लेंगे और इमीडिएटली इसमें हम पिसी हुई दाल और बादाम ऐड कर लेंगे। अब इसे अच्छे से मिलाएंगे और कंटिन्यू चलाते हुए भून लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं दाल थोड़ी सूखी सूखी लग रही है। अब इसमें हम 1 और टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, इस हलवे के लिए हमें 1 कप दाल के आगे 1/2 कप घी लेना होगा, पर इसमें हम घी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे। कंटिन्यू स्टर करते हुए हम दाल को रोस्ट करते जाएंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट तक दाल को भुनने के बाद आप देख सकते हैं दाल हमारी हल्की हो चुकी है और पैन से थोड़ी थोड़ी अलग भी हो रही है। इसका मतलब दाल हमारी भुन चुकी है। अब इसमें हम 1/2 कप पानी ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर दूध और पानी का कॉम्बिनेशन लिया है। आप चाहे तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ दूध या सिर्फ पानी से भी इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर 1/4 कप यानी कि 1 कप और 1/4 कप दूध ऐड करना है। साथ ही मैंने यहाँ पर 10 से 15 धागे केसर के थोड़े से गुनगुने पानी में भिगो कर रखे थे, वो पानी भी हम ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर दूध और पानी दोनों ही चीजें मैंने रूम टेम्परेचर पर ली है। वैसे तो दूध डालने के बाद इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, पर अगर आपको लगे कि थोड़े से लम्प पड़ रहा है या गांठे बन रही है, तो स्पैचुला की मदद से थोड़ा सा प्रेस करते हुए इसे मिक्स करते जाए।
गाइस दूध डालने के बाद बहुत ही जल्दी से ये अब्सॉर्ब भी हो जाता है, यानी कि सारा दूध दाल बहुत जल्दी से सोक कर लेती है। गैस की फ्लेम हम कंटिन्यू लो टू मीडियम रखेंगे और तकरीबन 2 मिनट में ही आप देख सकते हैं दूध जैसे कि गायब सा हो गया है। अब इस स्टेज पर हम 2 टेबलस्पून घी और ऐड करेंगे और इसे कंटिन्यू स्टर करते जाएंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हलवा हमारा कैसे पैन से अलग हो रहा है, इसका मतलब ये ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। अब इसमें हम 1 कप चीनी ऐड करेंगे। ये हलवा बनाने में हमने 1 कप दाल ली थी तो हम 1 कप चीनी ऐड करेंगे। वैसे तो रेशियो 1:1 होता है पर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी सेट कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद आप देख सकते हैं हलवा हमारा कैसे लिक्विडी हो गया है। इसे हम चलाते रहेंगे, धीरे धीरे चीनी का पानी भी अब्सॉर्ब हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं हलवा हमारा पैन की साइड छोड़ रहा है और ये इकट्ठा होना शुरू हो गया है, इसका मतलब ये ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। पर हमने इसमें जितना घी डाला था ना, वो सारा घी हलवा रिलीज करेगा, तब तक हम इसे कुक करते रहेंगे। अब पैन की साइड्स में आप देख सकते हैं घी रिलीज होना शुरू हो गया है, बस 2-4 मिनट के लिए हम और इसे कुक कर लेंगे। अब इस स्टेज पर हमने जो काजू बादाम रोस्ट कर रखे थे ना, वो ऐड करेंगे। फ्रेंड्स हलवे में रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स का मजा ही कुछ और है, आप इसमें काजू बादाम जरूर से रोस्ट करके डालें। हमने आज जो मेथड से मूंग दाल हलवा बनाया है उसे भुनने में हमें 20 मिनट लगी है। अगर हम दाल को भिगोकर हलवा बनाते तो टाइम डबल यूज होता। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं घी हमारा बिल्कुल रिलीज हो चुका है, ये देखिए स्पैचुला से मैं आपको दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स हमने जितना घी यूज किया था वो सारा घी आप देख सकते हैं रिलीज हो चुका है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग घी की क्वांटिटी कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब लास्ट में हम इसमें 1/4 टीस्पून यानी कि 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। घी आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से रिलीज हो गया है, हलवा हमारा बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुका है। चलिए अब इसे सर्व करते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हलवा हमारा बिल्कुल हलवाई स्टाइल बनकर तैयार हुआ है। वीडियो में बताए गए सारे टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका हलवा भी ऐसे ही बनकर तैयार होगा और सब उंगलियां चाट कर खाएंगे, ये मेरी गारंटी है। थोड़े से रोस्ट किए हुए नट्स मैंने अलग से निकाले थे उससे और थोड़े से स्लाइस किए हुए पिस्ता से हम इसे गार्निश करेंगे और सर्व करेंगे। फ्रेंड्स रेसिपी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसे शेयर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले फॉर मोर सच वंडरफुल रेसिपीज। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।